नमस्कार। आज गैस करिए, हम क्या लेकर आए हैं। आज कुछ आप लोगों के लिए मीठा लेकर आए हैं। मीठा ऐसा जो कि शुगर फ्री लोग भी खा सकते हैं, यानी जिनको डायबिटीज से दिक्कत हो वो भी इसको चट कर सकते हैं, यानी अच्छे से खा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पके हुए केले से, जो आप सबके घर में होता है पके हुआ केला, उससे हलवा बनाना और उसे मिठाई यानी बर्फी बनाना। उसके लिए मैंने लिया है जैकरी यानी गुड़। इस गुड़ को मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है, चॉप करके एक कटोरी में निकाल दिया है। इस कटोरी में मैंने एक कप पानी रखा है। एक कप पानी में इस गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना, यानी घोल बना लेना है इसका, गुड़ का। जब गुड़ का घोल अच्छे से बन जाए फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फिर हमने लिए हैं पके हुए 3 केले। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होती है, इसलिए हमने ये पके हुए केले जो हमारे घर में बच जाते हैं, खाते नहीं हम लोग, उन्हीं का मैंने ये बर्फी बनाई है और हलवा बनाया है। अब ये केले मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए, चॉप करके एक मिक्सी के जार में डाल लिया। इस मिक्सी के जार में डाल करके हम इसका एक स्मूथ पेस्ट सा बना लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी, देसी घी ले लीजिए। और उसमें 1 कटोरी मैंने लिया है आटा, गेहूं का आटा ले लो, गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसको हम हल्का सा धीमी आंच पर, लो आंच पर इसको खूब अच्छा सा भून लेंगे। जब ये भून जाए तो इस बैटर में हम अपना जो बैटर बना है केले का, वो बैटर इसी में हम मिक्स करेंगे। फिर जब ये मिक्स कर देंगे फिर इसको धीरे धीरे हम चलाते जाएंगे। जब ये अच्छे से पकने लगेगा तब हम जो गुड़ का पानी बनाया था पूरा पेस्ट उसमें ऐड कर देंगे। ये पेस्ट जब इसमें ऐड करेंगे तब इसमें सौंधी सौंधी सी महक आने लगेगी हमारे बैटर में। अब ये मैंने गुड़ का पानी सब ऐड कर दिया है। गुड़ का पानी जो था वो ऐड करने के बाद फिर हम इसको चलाएंगे। और इसको कलर देने के लिए मैंने 1 पिंच यानी 1 पिंच लिया है कलर फूड, यानी फूड कलर लिया है जो कि हम खाने में यूज करते हैं लड्डू वगैरह डालने में, उसको हमने इसी में मिला लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स, ड्राई फ्रूट लिए हैं थोड़े से, वो मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिए हैं। अगर आवश्यकता लगे तो इसमें थोड़ा सा घी आप ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। जब घी इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें और अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी और इस तरीके से अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा। फिर आप जो आपने ड्राई फ्रूट्स पहले से रोस्ट कर लिए हैं उनको मिलाने से पहले क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करके फिर हम ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करके फिर वो हम जितना भी बैटर है इसमें डाल करके बढ़िया से जमा लेंगे और फिर इसकी हम ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद फिर हम इसकी पीस काट लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी सी अपने बर्फी की पीस काट ली हैं, कितनी बढ़िया देखने में लग रही हैं। और इन पे ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा अच्छे उभर के आए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। और मैंने थोड़ा सा उसका बैटर बचा लिया था जो कि मैंने कटोरी में डाल रखा है, यानी हलवे के लिए। हलवा जो होता है, कुछ लोग को बर्फी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हलवा, तो जैसे मन चाहे वैसे आप खाइए इसको और सर्व करिए, बहुत अच्छा।